अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रमज़ान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद रमज़ान। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आपको पैसिव वॉइस टेंस समझने में बहुत ही हेल्प करता है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा, इस बारे में कोई ना कोई कमेंट आप ज़रूर छोड़ेंगे। और हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस्ड, इन सारे ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए आप इंग्लिश विद रमज़ान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस टेंस से रिलेटेड तीन बहुत ही बड़े बड़े रोल्स हैं जो आपके जहन में हमेशा होने चाहिए। पहला रोल, ऑब्जेक्ट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस टेंस। यानी पैसिव वॉइस टेंस में आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है सब्जेक्ट की जगह पर। दूसरा रोल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज इन द पैसिव वॉइस टेंस। यानी कि दूसरा रोल ये है कि आपको हर एक टेंस में, पैसिव वॉइस के हर एक टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, पास पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करना है। तीसरा रोल, ट्रांजिटिव वर्ब इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी यूज इन द पैसिव वॉइस टेंस। यानी कि पैसिव वॉइस टेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस टेंस बनता नहीं। ठीक, अब चलिए इस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी तीन टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, इन तीनों में से हर एक की चार चार टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग ऑफ पैसिव वॉइस में क्या है, इज एम आर। और यहाँ पे आप जो तीन देख रहे हैं, यहाँ पे तीन देख रहे हैं, यहाँ पे भी तीन देख रहे हैं, इन सब का मतलब ये है कि थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा हर एक टेंस में। ठीक, तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग ऑफ पैसिव वॉइस टेंस में। तो इज एम आर है, इज जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, और एम आई के साथ, और आर प्लोरल सब्जेक्ट के साथ। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर प्लस बीइंग, यानी इज प्लस बीइंग, एम प्लस बीइंग, आर प्लस बीइंग, और थर्ड फॉर्म का भी यूज़ होगा। ठीक, अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन है। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा। हैज़ बीन का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, और हैव बीन प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर। वॉज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, वर प्लस बीइंग, यानी के वॉज प्लस बीइंग या वर प्लस बीइंग। इनका यूज कैसा होगा, वॉज प्लस बीइंग का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर प्लस बीइंग का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस टेंस में हैड बीन है, ये सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ यूज होगा। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस टेंस में हैड बीन प्लस बीइंग। ठीक, अब थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ये तो आपको पहले ही बता दिया गया। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर इनडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस टेंस में विल बी या शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी प्लस बीइंग, देख रहे हैं आप, विल बी या शैल बी प्लस बीइंग, और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन प्लस बीइंग, शैल हैव बीन प्लस बीइंग। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा पैसिव वॉइस टेंस के बारे में स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर से आपको पैसिव वॉइस समझने में बहुत ही मदद मिलती है, हेल्प मिलता है।
फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप में से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और साथ ही साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से पैसिव वॉइस नहीं आता है। तो इस बारे में बहुत सारा जो है ना इख्तिलाफ़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन चारों टेंसेस से पैसिव वॉइस नहीं आता है, और दूसरे लोग कहते हैं कि आता है, इससे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे जो है ना पैसिव वॉइस टेंस आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहे। अगर बनाएंगे तो ये जो है ना आपको फार्मूला यूज़ करना होगा। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब जो है ना डायरेक्टली कल हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस टेंस के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।